नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बांसुर के ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे, उसमें भी यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट ई चल रहा है अपना, और फर्स्ट ई के उदाहरण कर चुके हैं। फर्स्ट ई का जो क्वेश्चन नंबर है 7 वो आज में हम करने वाले हैं, करवा रहा हूँ उसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका दे रखा है ये सवाल हम करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि यह है अवकल समीकरण। डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। इस रूप का है भाई, यहाँ पर ये x का फलन है, गुणा में y है, फिर x का फलन है, और डीवाई अपॉन डी एक्स, इसी रूप का क्या है, ये रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, तो हम इसको हल करेंगे। जो अपने को तरीका मालूम, पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले आप लोग पी एक्स क्यू एक्स लिखोगे। यहाँ पी एक्स अपने पास 1/1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्यू एक्स अपने पास है 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये अपने पास क्यू एक्स है। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर पी एक्स डी एक्स, पी एक्स अपने पास 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स। यहां पर देखिए समाकलन क्या जाते हैं, है ये समाकलन साइड में करना, 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये क्या करना है। देखिए हम मानेंगे कि माना इंटीग्रेशन आई आपका, माना अंडर रूट एक्स या एक्स बराबर मान लीजिए अंडर रूट एक्स बराबर टी, ये मान लीजिए अंडर रूट एक्स बराबर टी, अंडर रूट एक्स बराबर टी मानोगे, इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा भाई, 1/√x dx बराबर dt। तो 1/√x dx बराबर 2dt, तो इंटीग्रेशन आपका आई क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स बराबर टी है तो एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर, साथ में 1/√x डी एक्स की जगह 2dt, तो यहां पर आ गया 2dt। इसका आप लोग समाकलन करोगे, इसका समाकलन आपको मालूम है क्या होगा, आप लोगों ने खुद किया है, 1/2 आएगा और साथ में 1 + t 1 - t, 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आप लोग करके देखो, चाहे तो ऐसे कर लेना, दूसरा तरीका और देख लीजिए, किसी के डायरेक्ट याद नहीं है तो ऐसे करेंगे, 1 + t लिख सकते हैं इसको, 1 - t लिख सकते हैं, a ऐसे अलग अलग करेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, तो आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, a और b निकालेंगे मान, a और b निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि 1 + t को आप 0 के बराबर रख दो, इसका गुणांक आ जाएगा कैसे, t बराबर आ गया आपका -5, इसके साथ में कितना है 1 - t, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 + t 1 - t, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या है, 2/1 + t 1 - t, अब अपने पास हमने 1 + t बराबर 0 रख दिया है, तो इसको तो छोड़ दो, बाकी जो रह गया उसके अंदर क्या रख देंगे, t का मान -1, तो t का मान -1 रखोगे तो -1 + इसके अंदर कितना आया नीचे, 2 / 2 = 1, तो इस ये कितना आया 1, फिर इसको 0 रख लो, 1 - t बराबर 0, t की वैल्यू आई 1, तो 0 किसको रखा है, 1 - t को, तो 1 - t को छोड़ करके
बाकी जो बच गया उसके अंदर t बराबर एक रख देंगे। तो यहाँ पर दो बटा एक प्लस एक, दो बटा दो इसका भी कितना आया प्लस का एक। अब आप इसका समाधान कर सकते हो, ये हो गया log 1 प्लस टी, ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस टी। लेकिन 1 माइनस टी इसका अवकलन होगा 1 माइनस टी का, तो क्या आएगा माइनस का वन, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा और log क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टी 1 माइनस टी। तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लेना और ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, ये अपना रफ का काम होगा। अब यहाँ पे आते हैं अपने पास समाकलन क्या आया, e की पावर log 1 प्लस टी, टी की जगह अंडर रूट एक्स, नीचे 1 माइनस रूट एक्स। अपने पास आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस रूट एक्स, नीचे आया 1 माइनस रूट एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट हल क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस का रूट एक्स बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स अपने पास 1 माइनस का रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, कैंसिल हो गया। अपने पास आया वाई 1 प्लस रूट एक्स बटे में 1 माइनस का रूट एक्स बराबर, इधर 1 प्लस रूट एक्स बचा है, 1 प्लस रूट एक्स का अवकलन समाकलन करेंगे तो 1 का तो कितना एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 बटा 2 का समाकलन करोगे तो 3 बटा 2 तो आ जाएगा बटे में, तो 2 बटा 3 हो जाएगा उसका, तो एक्स की पावर कितनी 1 और हो जाएगी 3 बटा 2 प्लस। ये आपका क्या है दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। कैसे किया बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना, इसका समाकलन जो करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, इधर तो रखा है मैंने, बाकी तो आपका सिंपल है सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 20। आप लोगों को मैं इस प्रश्नावली की फोटो खींचकर उपलब्ध करवा दूंगा ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन करना आप लोग जो आ जाए तो ठीक है, जो नहीं आए वो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट ई के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यदि नहीं हल कीजिए dy upon dx बराबर प्लस 2x 1 प्लस x स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। जबकि एक क्वेश्चन और देखिए, जबकि y बराबर 0 यदि x बराबर 1। हल कीजिए dy को dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि y बराबर 0 यदि x बराबर क्या आपका 1 है, x बराबर 1 पर वैल्यू y की आ रही है 0, ये हमें दे रखा है पहले, तो हमें आप सॉल्यूशन निकालना है इसका, निकालिए। चूंकि दिया गया समीकरण dy upon dx plus px into y बराबर qx के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है यहां
पी एक्स कितना है भाई, पी एक्स निकाल लेंगे तुलना करके, कितना 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख ये सवाल ऐसे लिख लेना दिया है कि y बराबर 0 जबकि x बराबर है, क्यू एक्स अपना दे रखा है भाई 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपना क्यू एक्स है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, पहले अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे a की पावर पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स अपने पास 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 2x dx बराबर dt, तो इसकी जगह dt नीचे आ जाएगा, t log t इसका क्या हो जाएगा समाकलन, यानी कि इसका समाकलन होगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करके देख लेना आप लोग क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद लिखेंगे आप इस हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक बार कैंसिल हो जाएगी एक बार बचेगी, इसका समाकलन हो जाएगा अपने पास 10 इनवर्स x प्लस सी, ये अपने पास इसका हल आया, अभिष्ट हल है, इसलिए हल लिखो आपको अभिष्ट हल, तो भी हमें याद करना है कंडीशन और लगानी है, कौन सी y बराबर 0 जबकि x बराबर 1, चूंकि y बराबर 0 जबकि x बराबर 1 ये दे रखा अपने को, इसलिए 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 10 इनवर्स 1 प्लस सी, सी की वैल्यू निकालेंगे यहां से, ये तो हो गया इधर 0, ये 10 इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4 प्लस सी, सी की वैल्यू आई अपने पास माइनस का पाई बटा 4, इसलिए अभिष्ट हल अपने पास होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स x प्लस माइनस पाई बाई 4, ये अपने पास अभिष्ट हल है, कुछ नहीं था इसके अंदर, कोई सॉल्यूशन करना था, कंडीशन जो दे रखी है वो लगा लेनी है, उससे सी की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही एक्स्ट्रा काम है इसके अंदर, और जो कि आसान है आप लोग कर सकते हो, मैं आपको इसकी फोटो उपलब्ध करवा दूंगा, उसने आप लोग क्वेश्चन करना हो जाए तो ठीक है, नहीं होंगे तो मैं करवा दूँगा।